हाँ जी बेटा, लेट अस डू नाउ द क्वेश्चन नंबर फोर्थ, ओके, फ्रॉम द यस्टरडे एक्सरसाइज, दैट इज 10.3, क्वेश्चन नंबर फोर्थ. हाँ जी, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट -1,1 फ्रॉम द लाइन 12x+6 5y-2. हाँ जी बेटा, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे. स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए हम क्या करेंगे बेटा, 12x+72. हाँ जी, आई थिंक ये कर लिया था हमने, फिर भी चलो एक बार कर लेते हैं दोबारा. हाँ जी, दैट इज +82 इक्वल टू 0. ओके जी, अब एक पॉइंट से एक लाइन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी कैसे इवेलुएट करते हैं, मैंने बताया था पॉइंट सब्स्टिट्यूट करते हैं एक्स और वाई की जगह. 12 × -1 जो है प्लस -5 × 1 +82 जो है ओवर अंडर रूट ऑफ कॉफिशियंट ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस कॉफिशियंट ऑफ वाई का स्क्वायर. सॉल्व इट एंड गेट द आंसर. ओके जी, क्लियर. नाउ बेटा कम टू क्वेश्चन नंबर जो है फिफ्थ. हाँ जी, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ वी आर डूइंग नाउ. हाँ जी, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में बेटा हमारे पास क्या दिया हुआ है, देखिए व्हाट इज गिवन हियर इन क्वेश्चन नंबर फिफ्थ. फाइंड द पॉइंट्स ऑन द एक्स एक्सिस हूज डिस्टेंस फ्रॉम द लाइंस आर 4 यूनिट्स. अब बेटा क्लियर कट देखो, फाइंड फाइंड द पॉइंट्स दिया है, यानी एक से ज्यादा ही आंसर होगा. ठीक है, कई बार पॉइंट भी लिखा तब भी दो आंसर हो सकते हैं, कैसे उसका रीजन बताती हूँ. हाँ जी, x/3 - है देखिए बेटा यहां पर = 1 और पॉइंट दिया हुआ है एक्स एक्सिस पे और डिस्टेंस दिया हुआ है 4 यूनिट. ओके बेटा, अब क्या करेंगे हम लोग यहां पर, इफ आई सी हियर. हाँ जी बेटा, तो मेरे पास पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कर दें, थोड़ा सा कैलकुलेशन इजी हो जाती है. 3y = 12, ये -12 = 0 एलसीएम ले लिया. अब बेटा एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस x, 0. ठीक है बेटा, अब ये पॉइंट पुट करेंगे यहां पर. जब पुट करेंगे तो 4x - 0 - 12 ओवर अंडर रूट ऑफ 4² + 3² 9, दैट इज इक्वल्स टू 4. ओके बेटा, अब देखिए ये 25 हुआ, 25 5 हो गया, ये मॉड 4x - 12 जो है 5 × 4 = 20. अब बेटा जब ये मॉड हटाएंगे तो दूसरी साइड पे प्लस माइनस हो जाएगा, तो दैट मींस 4x - 12 इज +-20 और 4x इज जो गए +-20 + 12. एक बार बेटा प्लस ले लो 32 और एक बार माइनस ले लो तो कितना आएगा -8. तो मेरे पास जो गए x = 8 और -1. कैलकुलेशंस कर लेना बेटा. यस बेटा, यस काव्या, यस काव्या बेटा. मैम क्वेश्चन में x/3 + 5 है. क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है बेटा? मैम प्लस है, आपने माइनस लिखा हुआ है. कोई बात नहीं बेटा, मेरी बुक पे एक्चुअली दैट इज नॉट क्लियर. देखिए विजिबल नहीं था तो आई हैव टेकन विद नेगेटिव. कोई बात नहीं, आंसर मेन हमने जो क्या करना है, वी हैव टू सी द मेथड. ओके, तो आप जिससे मर्जी कर लीजिए, प्लस से कर लो या माइनस से कर लो, जो भी स्टेटमेंट दी होगी आपने उससे करना. ठीक है, अब देयरफॉर पॉइंट जो है वो मेरे पास 8, 0 और -1, 0. आप प्लस से भी करके देख लेना, डजंट मैटर. -2 आ रहा है. यस 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 यस, -2 बिल्कुल. ओके जी, चलिए बेटा नाउ कम टू नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6. लेट अस डू क्वेश्चन नंबर 6 बेटा. क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर सिक्स में बेटा मेरे पास क्या है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन जो गए पैरेलल लाइंस, उसने दे दिया, क्योंकि अगर पैरेलल नहीं होती तो उनमें बीच में डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, जीरो होता है। अगर पैरेलल नहीं हो, मान लो दो लाइन पैरेलल नहीं है, ये लाइंस है, तो डिस्टेंस हमेशा शॉर्टेस्ट होता है, कहीं ना कहीं जाकर इंटरसेक्ट करेंगे। हाँ, अगर मेरे को कहते हैं कि इस लाइन पे एक पॉइंट है, इस लाइन पे पॉइंट है, दोनों के बीच में डिस्टेंस निकालो, वो हम निकाल सकते हैं। अदरवाइज लाइंस जो पैरेलल नहीं होती, कहीं ना कहीं जाके इंटरसेक्ट करेंगी, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो अब हमें पैरेलल लाइन के बीच में डिस्टेंस कैलकुलेट करने को कहा। लेट अस सी फर्स्ट पार्ट। देखिए बेटा, सेकेंड इज मेरे पास हो गए 8y + 31 = 0। अब मुझे क्या करना है, डिस्टेंस निकालना है। ये c1 और ये c2, मैंने आपको बताया था डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस पैरेलल लाइन इज मेरे पास जो है मॉड ऑफ c1 - c2 या c2 - c1 ओवर अंडर रूट ऑफ a² + b² है ना। एक चीज याद रखनी है, दोनों के कॉफिशियंट इधर, दोनों लाइंस के कॉफिशियंट ए और बी के सेम होने चाहिए। अगर सेम नहीं है, मान लो यहां पर ऐसे होता, मैं करूं 3 से कर देती हूं, चलो 5 ऐसे, तो आपने पहले दोनों को क्या करना है, सेम बनाना है, तभी ये फॉर्मूला लगेगा, नहीं तो प्रॉब्लम है। ओके जी, मेक इट सेम। नाउ यूज दिस। हां जी, c1 - c2 या c2 - c1 जो मर्जी कर दो, माइनस अंडर रूट 15² 8² सॉल्व इट एंड गेट योर आंसर। ओके बेटा, समझ आ गए। चलिए नाउ कम टू नेक्स्ट। बेटा मेरे पास देखिए, अब अगली जरा इक्वेशन देखना इसकी। लेट अस सी lx + y + p = 0 lx + y - r = 0 है ना सेम। अगर ओपन कर लेना इसको ऐसे, तभी आगे सॉल्व कर पाओ। पहला काम है देखना कि वो सेम कॉफिशियंट है कि नहीं है, फिर ही अप्लाई कर, हो जाएगा ना क्वेश्चन। नाउ कम टू नेक्स्ट बेटा, क्वेश्चन नंबर 7th। लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 7th बेटा। हाँ जी, व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन नंबर 7th, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू द लाइन 3x - 4y + 2 = 0 एंड पासिंग थ्रू पॉइंट। कोई मुश्किल नहीं, एक लाइन की इक्वेशन लिखने के लिए व्हाट यू नीड, स्लोप पॉइंट पता चलता है, या टू पॉइंट्स पता चलता है, या इंटरसेप्ट पता चलता है। यहां पर एक पॉइंट दिया है और पैरेलल टू दिस लाइन दिया है, तो स्लोप निकल जाएगी क्योंकि पैरेलल है। तो इसकी स्लोप माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स ओवर कोफिशिएंट ऑफ वाई। ओके जी, तो ये कट गया, तो 3/4, स्लोप सेम होगी, तो इक्वेशन ऑफ लाइन y - y1 = slope x - x1 4y - 12 3x + 6 सॉल्व इट एंड गेट योर आंसर। ओके जी, चले आगे। नाउ कम टू नेक्स्ट बेटा, क्वेश्चन नंबर 8। हाउ टू डू क्वेश्चन नंबर 8 बेटा, देखिए, फाइंड इक्वेशन ऑफ अ लाइन perpendicular to this line and जो है having x-intercept 3। अब intercept आ गया ना, x-intercept आ गया, तो मेरे दिमाग में line की equation y = mx + c, ये confusion create करता है ना। better पता क्या होता है, अगर आपको confusion लगे कि प्लस आना है माइनस आना है, दिमाग से निकल आता है, हमें पता प्लस आना है, बट फिर भी बेटर क्या है, अगर एक्स इंटरसेप्ट दिया है
है ना, तो ये लाइन पे पॉइंट हो गया 3,0। हुआ कि नहीं, एक पॉइंट पता चल गया। स्लोप मैं यहां से निकाल सकती हूँ क्योंकि परपेंडिकुलर है, जो स्लोप इसकी आएगी उसका रेसिप्रोकल करो विद नेगेटिव, है ना, तो वो अपने आप क्या हो जाएगा, नई लाइन की स्लोप हो जाएगी। तो सबसे पहले इसकी स्लोप देखें। हाँ जी, माइनस कोफिशियंट ऑफ एक्स ओवर कोफिशियंट ऑफ वाई, तो ये 1/7 आया, देयरफॉर परपेंडिकुलर लाइन की स्लोप क्या हो जाएगी, -7, रेसिप्रोकल विद नेगेटिव साइन। अब स्लोप पता है, पॉइंट पता है, इक्वेशन लिख सकते हो। हाँ जी, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू स्लोप इंटू एक्स माइनस एक्स वन। ओके जी, कभी गलती नहीं होगी। चलिए बेटा, नाउ कम टू नेक्स्ट। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो है 9th। हाँ जी, नाउ व्हाट इज रिटन हियर, फाइंड एंगल बिटवीन द टू लाइंस। अब दो लाइंस के बीच में एंगल, रूट थ्री एक्स प्लस वाई इक्वल टू वन, रूट थ्री एक्स प्लस रूट थ्री वाई इक्वल टू वन। स्लोप्स निकाले और फॉर्मूला लगाए, इसकी स्लोप निकालो m1 ले लो, इसकी स्लोप निकालो m2 ले लो, और एंगल बिटवीन देम क्या होता है, मॉड ऑफ m1 माइनस m2 ओवर जो है 1 m1 m2। ओके जी, क्लियर, बात समझ आ गई ना बेटा, अप्लाई इट एंड गेट योर आंसर। नाउ कम टू नेक्स्ट। बेटा मेरे पास जो है दैट इज क्वेश्चन नंबर 10th। लेट अस डू एक बार चेक कर लेना बेटा, हमेशा वो टैन वाले एंगल बिटवीन द टू लाइंस में कि प्लस आता है कि माइनस आता है, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल रिगार्डिंग दैट। ओके, चलिए नाउ कम टू नेक्स्ट। बेटा मेरे पास जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10th, द लाइन थ्रू द पॉइंट्स H3 and 4, 1 जो है इंटरसेक्ट द लाइन, इंटरसेक्ट कर रही है 7x। अब नेक्स्ट बताना बेटा क्या है स्टेटमेंट, 7x इक्वल टू 0 एट राइट एंगल। ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं किस पे, राइट एंगल पे। तो उसने कहा है कि k की वैल्यू निकालो या h की, जो भी आपको दिया हुआ है, h h इज गिवन, उसकी वैल्यू निकालो। क्या करेंगे बेटा, यहाँ पर दोनों परपेंडिकुलर हैं तो दोनों की स्लोप का प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा, -1 के इक्वल। इसकी स्लोप निकालो, y2 - y1 ओवर जो गए मेरे पास x2 - x1 प्रोडक्ट ऑफ स्लोप। अब यहां से माइनस जो है कोफिशियंट ऑफ एक्स ओवर कोफिशियंट ऑफ वाई दैट इज इक्वल टू -1। ये नेगेटिव नेगेटिव कट गया, -2 ओवर 1, ये भी नेगेटिव कट गया। सॉल्व इट एंड गेट योर आंसर। ओके जी, नाउ कम टू नेक्स्ट। बेटा मेरे पास जो है क्वेश्चन नंबर 11th, क्वेश्चन नंबर 11th। हाँ जी बेटा, प्रूफ दैट द लाइन थ्रू द पॉइंट दिस, एक लाइन जो इससे पास कर रही है और पैरेलल टू दिस लाइन है, उसकी इक्वेशन जो है ना वो ये है, वेरी इजी। क्या करें, इसको तो भूल ही जाएं पहले, है ना। हम क्या करें, एक पॉइंट दिया, स्लोप यहां से निकालेंगे, सॉल्व करें और इस फॉर्म में लेके आए, देखो बनती है कि नहीं, लेट अस सी। हाँ जी, पहले तो स्लोप देखें, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स ओवर कोफिशिएंट ऑफ वाई, वाई माइनस वाई वन इक्वल टू स्लोप इनटू एक्स माइनस एक्स वन। इसको इधर ले जाए, बी मेरे पास वाई माइनस वाई वन, और ये नेगेटिव अंदर ले जाते हैं या ना लेके जाओ, ऐसे ही जाने दो। अब इस सारी टर्म को इधर ले आए, जब इस सारी टर्म को इधर लेके आएंगे, ट्रांसपोज करेंगे तो बेटा क्या हो जाएगा, मेरे पास ए
x माइनस एक्स वन प्लस बी वाई माइनस वाई वन इक्वल टू जीरो। ओके जी, क्लियर। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 12। टू लाइंस पासिंग थ्रू द पॉइंट, जो है दो लाइंस जो है इस पॉइंट से पास करती हुई इंटरसेक्ट करती हैं दोनों लाइंस एट एन एंगल 60 डिग्री। ओके बेटा, इफ द स्लोप ऑफ द वन लाइन, स्लोप एक लाइन की दी है 2, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द अदर लाइन। सबसे बड़ी बात है, अगर दो लाइंस के बीच में आपको एंगल दिया है, वैसे बेटर है हम 60 इधर लिखें, क्योंकि ये छोटा एंगल है ना, ये बड़ा 120 बन रहा है। बिल्कुल सही, हम क्या करेंगे, एक स्लोप दी है 2, नेक्स्ट स्लोप हम, हाँ जी m1 ही रहने थे, m2 ले लेते हैं। अब tan थीटा का फॉर्मूला मेरे पास जो है m1, tan थीटा का फॉर्मूला लगाइए, माइनस आएगा बेटा m1 माइनस m2, मैंने पहले भी कहा था कि चेक कर लिया करो। ओके, तो मेरे पास हो गए ये सारा मॉड में, मैंने पीछे यहां पर आई थिंक प्लस लिख दिया था, चेक कर लेना फॉर्मूला बेटा। हाँ जी, एम वन टू माइनस एम ओवर वन प्लस टू जो है एम टू, और टेन सिक्सटी, टेन सिक्सटी की वैल्यू कितनी होती है, हाँ जी पुट गया रूट थ्री। अब जब आपने मॉड सॉल्व करना है तो बेटा प्लस माइनस आएगा, अब ये बाद में देख लेते। हाँ जी, तो मेरे पास प्लस माइनस रूट थ्री, टू माइनस एम टू ओवर वन प्लस टू एम टू। अब बेटा एक बार प्लस ले लो, तो मेरे पास अगली बार माइनस ले लो, दोनों सॉल्व करके यू विल गेट द वैल्यूज। दो केसेस बनेंगे, एक सॉल्व करके दिखा देती हूँ। रूट थ्री, टू रूट थ्री एम टू, टू माइनस एम टू, एम टू वाली टर्म्स इकट्ठी कर लो बेटा, आप कंबाइन करोगे तो व्हाट यू विल गेट, रूट थ्री माइनस टू, हाँ जी माइनस टू रूट थ्री माइनस वन, और एम टू आया, तो बेटा एम टू इज रूट थ्री माइनस टू, हाँ जी माइनस टू रूट थ्री माइनस वन। आप ऐसा करो, नेगेटिव कॉमन लेके नीचे वाले के साथ काट दो। ओके, ये M2 की वैल्यू आई, ऐसे ही यहां से भी M2 की वैल्यू आ जाएगी, रिजेक्ट करने का कोई केस ही नहीं है कि हम रिजेक्ट करें। ओके, अब देखिए जरा, मुझे इक्वेशन ऑफ लाइन लिखनी है, दो ही आएंगी, तो अब मैं क्या करूंगी, कौन हमने लाइन की इक्वेशन लिखनी थी जो किस पॉइंट से पास हो रही थी, 2, 3 से, यही उसने कहा था ना कि टू लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट जो है 2, 3 इंटरसेक्ट ईच अदर एट 60 डिग्री, और 1 की स्लोप दे दी है, अदर लाइन की इक्वेशन लिखनी है। बेटा जो पॉइंट चाहिए 2, 3 ये वाला पॉइंट हो जाए, है तो दोनों लाइंस पे लाई करता है ना, तो हमारे पास जो है सेकंड लाइन y माइनस y1 दैट इज 3 स्लोप माइनस रूट थ्री प्लस टू ओवर टू रूट थ्री प्लस वन इंटू एक्स माइनस एक्स वन। सॉल्व इट, एक इक्वेशन आ गई, दूसरी तरफ से यहां से भी निकालोगे यू विल गेट द अदर स्लोप, और वहां से भी इक्वेशन ऑफ लाइन निकले और आपके पास आंसर आता है। ओके, क्लियर। नाउ कम टू नेक्स्ट बेटा, मेरे पास जो है क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए बेटा, वेरी इजी टू डू दिस। क्वेश्चन नंबर 13 में फाइंड द इक्वेशन ऑफ द राइट बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स। अब ध्यान से बेटा वर्ड देखिए, उसने कहा मुझे
ये जो दो पॉइंट्स हैं, इनसे ज्वाइन होते एक लाइन जो राइट बाइसेक्टर है। राइट बाइसेक्टर मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ना, परपेंडिकुलर भी है और बाइसेक्टर भी कर। किस इक्वेशन, इस लाइन की इक्वेशन लिखनी, वेरी इजी। पहले तो ये बाइसेक्टर है, दोनों का मिड पॉइंट इधर, तो मेरे पास ये पॉइंट आ गया 2/2 1 6 3। मिड पॉइंट लगाना आता है ना, x1 + x2 / 2 y1 + y2 / 2। अब बात रहेगी इस लाइन की इक्वेशन के लिए पॉइंट आ गया, स्लोप चाहिए। इससे स्लोप निकलेगी, क्या हो जाएगा, 2 - 4 / -1 - 3 - 2 - 4 / 1/2 m1। ठीक है, m2 क्या आ जाएगा, -2। अब इस लाइन में स्लोप पता है, पॉइंट पता है, यू आर एबल टू कैलकुलेट। ओके बेटा, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? ओके बेटा, नाउ कम टू नेक्स्ट। बेटा मेरे पास जो है क्वेश्चन नंबर 14, वेरी इजी टू डू, लेट अस सी व्हाट दिस क्वेश्चन मींस। हाँ जी, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर। ये क्वेश्चन प्लस टू का पेट है। अभी आप लाइन की इक्वेशन 2D में कर रहे हैं, ये जो चैप्टर है ना दैट इज इन 2D। 2D का मतलब आप यहाँ प्लेन में ड्रॉ कर सकते हो ना, हम प्लस टू में लाइन के इक्वेशन ही करेंगे, बट वो करेंगे 3D में। 3D मतलब स्पेस में, जैसे यहां पर मैं खड़ी हूं तो ये जो चौक है मैं हवा में ड्रॉ नहीं कर सकती, बट जैसे तीर जाता है हवा में, स्पेस में हम एयर में एटमॉस्फेयर में डालते हैं, ऐसे ही वो जो एरो होता है वो एक तरह की लाइन को रिप्रेजेंट करता है इन 3D। वो प्लस टू में करेंगे, और वहां पर ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर कैलकुलेट करना बेसिकली जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वहां आता ही आता है पेपर में। ठीक है, तो वो आज हम स्टडी करने लगे हैं। देखिए क्या है हमारे पास, उसने कहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर मेरे पास फ्रॉम द पॉइंट दिस टू द लाइन जो है 3x - 4y - 16 = 0। फुट ऑफ परपेंडिकुलर का मतलब ये कोऑर्डिनेट निकाल, जहां पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं तो लाइन को इंटरसेक्ट करता है, और ये 90। ठीक है, अब अगर इसके कोऑर्डिनेट मुझे कैलकुलेट करने मैं, हाँ जी, ये स्लोप आ जाएगी, अच्छा उसकी भी आ गई, फिर चलो लाइन की इक्वेशन आई, मैंने ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाला, क्या करें, बिल्कुल सही चल रहे हो, आपने इस लाइन की इक्वेशन निकाल ली, इस लाइन की इक्वेशन है, दोनों को सॉल्व कर ना, उसका क्या बेनिफिट हुआ, उसमें तो x1 y1 में रिलेशन आ जाएगा, वो तो ऑलरेडी यूज करके स्लोप निकालना ना, दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर दो ना बेटा, वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा, तो वही फुट ऑफ परपेंडिकुलर है। ठीक है, सबसे पहले हम इस लाइन की इक्वेशन लिखते हैं, वो कैसे, पहले इसकी स्लोप निकालो। हाँ जी, माइनस कॉफिशियंट ऑफ एक्स ओवर कॉफिशियंट ऑफ वाई 3/4, इसकी स्लोप क्या बन गई। ओके जी, तो अब मेरे पास जो है यहां पर आई एम राइटिंग द इक्वेशन ऑफ लाइन y - y1 स्लोप इनटू x - x। ओके जी, अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दो, या यहां से y की वैल्यू निकाल लो, ये लो, ये इसको सेटिस्फाई करनी चाहिए, x का कोऑर्डिनेट आ जाएगा, x आया तो यहां पुट करोगे y आ जाएगा, तो वही ये पॉइंट है। ठीक है जी, क्लियर टू एवरीबॉडी बेटा, कोई डाउट तो नहीं किसी को। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट बेटा, मेरे पास जो है क्वेश्चन नंबर 15, लेट अस डू
क्वेश्चन नंबर 15, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन, परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन मीट्स एट अ पॉइंट जो है -1,2, फाइंड द वैल्यू ऑफ एम और सी। क्या करें जपन जोत, पहले बेटा अपनी वीडियो ऑन कीजिए सो दैट आई कैन कम टू नो कि यस दिस इज जपन जोत। एक बार जस्ट वीडियो ऑन करके मुझे दिखा दीजिए तभी मैं आपको अनम्यूट की ऑप्शन दूंगी बेटा। हरी अब जपन जोत, जब तक वीडियो ऑन नहीं करोगे जो भी बच्चा हैंड रेस करेगा मैं उसका आंसर नहीं दे पाऊंगी बिकॉज फेक आईडीज आर कमिंग। चलिए हाँ जी, तो मेरे पास जो है यहां पर देखिए क्वेश्चन क्या है। सबसे पहले ये पॉइंट इस इक्वेशन को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है, तो दैट मीन्स एक्स की जगह पे -1, वाई की जगह पे 2 मैं पुट करूंगी तो मेरे पास हो गए 2 -m + c। ओके, मार्क दिस इक्वेशन 1, क्लियर। अब m और c में एक रिलेशन आ गया। अब इस लाइन की स्लोप मैं कैलकुलेट कर सकती हूं कैसे, y2 - y1 जो है ओवर x2 - x1, 2 - 0 - 1 - 0, तो आंसर इज -2। इसकी स्लोप -2 है तो इस लाइन की स्लोप क्या होगी, -1/-2, 1/2, यानी m की वैल्यू आ गई। स्लोप इस इक्वेशन में क्या है, 1/2, तो m की वैल्यू आ गई। c की कैलकुलेट कर लो। ओके क्लियर, एनी डाउट बेटा। चले आगे जपन जोत, अगेन आई एम सेइंग यू कैन ऑन द वीडियो एंड आस्क योर प्रॉब्लम। जस्ट एक बार वीडियो ऑन करके देन आई विल गिव यू द ऑप्शन टू अनम्यूट योर सेल्फ। चलिए बेटा नेक्स्ट कम टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर जो है 16, लेट अस सी What is written in the next question? Calculations है थोड़ी सी बस। Question number 16th में, if P and Q are the lengths of perpendicular from the origin to the lines, अब मेरे पास दो lines दी हुई हैं, x cos theta minus y sin theta equals to k cos 2 theta. और नेक्स्ट लाइन दी हुई है एक्स सीकेंट थीटा प्लस वाई कोसीकेंट थीटा इक्वल्स टू के। प्रूव दैट पी स्क्वायर 4q² इक्वल्स टू के स्क्वायर। ओरिजिन से जो मुझे इन दोनों लाइंस पे डिस्टेंस है वो क्या दिया हुआ है, पी और क्यू दिया हुआ है। तो सबसे पहले फिर मैंने ये प्रूफ कर दिया, मैं अभी इसको भूल जाती हूँ, पहला डिस्टेंस पी दिया है दूसरा क्यू दिया है, आई एम फॉरगेटिंग दिस, ठीक है बाद में वैल्यू पुट करूंगी। ओरिजिन से डिस्टेंस इस लाइन पे कैसे कैलकुलेट करूंगे, पी मॉड एक्स जीरो वाई जीरो माइनस के 2 थीटा ओवर अंडर रूट कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ओके जी, तो मेरे पास ये के कॉस 2 थीटा और नीचे 1, नीचे लिखने की जरूरत है। ऐसे ही यहां पर आइए, लेट अस सी क्यू, हाँ जी 0 + 0 - k अंडर रूट सीकेंट स्क्वायर थीटा प्लस को सीकेंट स्क्वायर थीटा। अब सीकेंट स्केयर को सीकेंट स्केयर की कोई आइडेंटिटी नहीं होती, मैं क्या करूं,
अच्छा मॉड ऑफ माइनस के, ही हो जाना, मॉड लगाना, लगाई रखो। मैं इसको चेंज करूं, वन ओवर कॉस के थीटा, वन ओवर साइन स्क्वायर थीटा। अब आगे क्या करूंगी, देखिए एलसीएम ले लूं, जब मैं एलसीएम लूंगी के ओवर, हाँ जी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और जो नीचे साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा था रूट के बाहर निकला, वो कहाँ आ जाएगा, न्यूमिनेटर में आ जाएगा। ओके मैंने कैलकुलेशंस थोड़ी शॉर्टकट कर दी। अब बेटा नीचे क्या बन गया, वन बन गया, वन का अंडर रूट वन, तो मेरे पास ये चीज क्या बन गई बेटा, दैट इज मॉड के साइन थीटा कॉस थीटा ओवर वन। अब एक काम करूं, अगर मैं देखूं यहां कॉस टू थीटा है, मुझे पता है जब ऐड होना है ना साइंस के थीटा कॉस के थे, तो क्यों ना मैं यहां टू से मल्टीप्लाई और टू से डिवाइड कर दूं, उसका बेनिफिट क्या होगा, ये साइन टू थीटा बाय टू हो गए। ओके अब मैंने प्रूफ करना था पी स्क्वायर प्लस फोर क्यू स्क्वायर की वैल्यू के स्क्वायर, मैंने ये टू प्रूफ कर ली। अब मैंने लेफ्ट हैंड साइड ली, ये पी की वैल्यू है, स्क्वायर करा, मॉड खत्म हो गया बेटा। ओके फोर क्यू स्क्वायर की वैल्यू के स्क्वायर साइन स्क्वायर टू थीटा बाय फोर। अब बेटा फोर फोर कैंसल, के स्क्वायर कॉमन, कॉस स्क्वायर टू थीटा प्लस साइन स्क्वायर टू थीटा, बेटा ये क्या होता है वन, तो आंसर कितना आया के स्क्वायर, यही प्रूफ करना था। क्लियर, कोई डाउट तो नहीं बेटा किसी को, चले आगे। अब बेटा क्वेश्चन 17 तुम खुद करोगे, वेरी इजी टू डू। ओके नाउ आई एम डूइंग क्वेश्चन नंबर 18, सो दैट दिस एक्सरसाइज विल बी कंप्लीटेड सून। तो क्वेश्चन नंबर 18 आई एम डूइंग, हाँ जी, इफ पी इज द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन, पी लेंथ दी है ओरिजिन से ड्रॉ करने के, ओके, टू ए लाइन हूज इंटरसेप्ट इज एक्स एक्सिस पे ए और वाई एक्सिस पे बी, जरा जल्दी सुन लीजिए बेटा, तो इंटरसेप्ट फॉर्म ये हो गई, अब लाइन की इक्वेशन लिखी गई, ओरिजिन से डिस्टेंस को इक्वल टू पी करो, सॉल्व करो, यू विल गेट व्हाट एवर इज रिक्वायर्ड टू। ओके क्लियर बेटा, लास्ट क्वेश्चन थोड़ा फास्ट करवाया है, आप देख लेना, कोई डाउट होगा तो यू कैन आस्क। ठीक है, फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड वी विल स्टार्ट विद न्यू जो है, ठीक है, मिसलेनियस एक्सरसाइज जपन जोत, आई विल सेंड योर प्रॉब्लम बेटा। ओके